students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home. So students, हम lesson 3 the interior of earth का revision कर रहे थे, and उसमें हम earth के interior को जानने के लिए direct source, indirect source and earthquake waves, जिन्हें हमने P and S name दिया था, उन waves के हम study कर चुके थे, and today we are going to discuss about the structure of the earth. So structures पढ़ेंगे हम. एज यू नो अर्थ के इंटीरियर को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. मीन्स जो लेयर्स हैं अर्थ क्रस्ट की उनको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. अपर लेयर उसे क्रस्ट कहा जाता है, देन मेंटल एंड देन द जो बिल्कुल इंटीरियर में है लेयर दैट इज कॉल्ड द कोर. ओके, सो उन्हीं लेयर्स के हम आज डिटेल स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द क्रस्ट. ओके, सो अर्थ की लेयर्स हमने पढ़ रखी है, दैट इज दिस इज कोर, दिस इज मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट. तो अपर लेयर है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, एंड ये सॉलिड पार्ट है, मतलब आपको अभी जो अर्थ सरफेस दिख रहा है दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रस्ट. ओके, ब्रिटल इन नेचर, ये बहुत ज्यादा नाजुक होती है, मींस आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रिटल होती है. थिकनेस इन माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन में ये ज्यादा थिक होती है क्रस्ट, एंड ओशन एंड कॉन्टिनेंट दोनों पर इनकी थिकनेस डिफरेंट होती है. मीन्स ओशन में ये 5 किलोमीटर तक होती है, जबकि कॉन्टिनेंट में ये 50 किलोमीटर तक हो सकती है. ओके, तो थिकनेस डिफरेंट होती है ओशन में एंड कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देखने को मिलती है लैंड मास पर एंड ओशन क्रस्ट पे अलग अलग थिकनेस होती है किसकी, क्रस्ट की. टाइप्स ऑफ रॉक्स इन ओशन, और ओशन में जो रॉक्स मिलते हैं दैट आर टाइप ऑफ बेसाल्ट, जो लावा के इरप्शन होने से और रॉक्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड द बेसाल्ट. जबकि अगर हम क्रस्ट पर देखें कॉन्टिनेंट्स में तो 3 टाइप के हम रॉक्स में उनको कैटेगराइज करते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ओके, सेकंड वन इज मेंटल. मेंटल सेकंड लेयर की बात हो रही है, मेंटल क्रस्ट के बाद में जो है बियॉन्ड द क्रस्ट. अब ये कब शुरू होती है, जब क्रस्ट खत्म हो जाती है उसके बाद में स्टार्ट होती है मेंटल. मोहोज डिसकंटिन्यूटी टू एक लाइन जो कि क्रस्ट एंड मेंटल को डिवाइड कर रही है, ये लाइन कहा जाता है मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी. ओके, सो मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी से और 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है कौन सी लेयर, मेंटल. अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. अब ये जो अपर पोर्शन, मेंटल का अपर पोर्शन है उसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जबकि क्रस्ट एंड मेंटल का अपर पार्ट जिसे हमने एस्थेनोस्फेयर कहा था, मीन्स क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फेयर मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर. सो अपर पार्ट क्या है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्या हमने इसको नाम दिया है, इसे हमने कहा है एस्थेनोस्फेयर. ओके, जबकि एस्थेनोस्फेयर में अगर हम प्लस कर दें क्रस्ट को तो हमें क्या बन जाएगा, ये लिथोस्फेयर, इसे हम लिथोस्फेयर नाम देते हैं. ओके, नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ मैग्मा. अब मैग्मा कहाँ से रिलीज होता है, अगर हम कहें कि मैग्मा जो मोल्टन रॉक्स है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, सो मोल्टन रॉक्स है वो एस्थेनोस्फेयर से ही आते हैं. ओके, एस्थेनोस्फेयर मीन्स मेंटल, जो सेकंड लेयर है वहाँ से मैग्मा रिलीज होता है. क्रस्ट एंड अपर मेंटल, अभी बताया था मैंने, क्रस्ट एंड अपर मेंटल को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर, जबकि अपर मेंटल को हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर. सो लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एस्थेनोस्फेयर सिंपली अपर लेयर है मेंटल की, जबकि लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर एंड क्रस्ट दोनों मिलकर क्या कहलाती है, लिथोस्फेयर. ओके, द थर्ड लेयर ऑफ अर्थ इंटीरियर इज द कोर. सो कोर है वो सबसे ज्यादा सेंटर पे होती है, हमने रेडियस पढ़ा था 6730 किलोमीटर है, तो सबसे ज्यादा इनर में कोर लेयर होती है. द कोर एंड मेंटल बाउंड्री कहाँ पर है, 2900 किलोमीटर पर. मीन्स यहाँ पर क्रस्ट है उसके बाद में मेंटल स्टार्ट हो रही है, मेंटल के बाद में क्रस्ट स्टार्ट हो रही है, तो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट की पर बाउंड्री बनती है किसकी, कोर की एंड मेंटल की, 2900 किलोमीटर पर. उसके बाद में आउटर कोर एंड इनर कोर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कोर को, ये इनर कोर है एंड दिस इज आउटर कोर. सो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, जबकि आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है. सो ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, एंड 5100 किलोमीटर इसकी डेप्थ है इनर कोर. ओके, कोर की डेप्थ है 5100 किलोमीटर. ओके, निकल एंड आयरन से बनी हुई है कोर है इंटीरियर में, वो निकल एंड आयरन से बनी हुई है, जिनकी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इन मिनरल्स की
डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें निफे भी कहा जाता है, निकल एंड आयरन फेरस, निकल एंड फेरस, सो निफे के नाम से भी इसको जाना जाता है कोर को। सो हमने जब प्लैनेट्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि प्लैनेट की फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हुई है, मींस जिन मिनरल्स की डेंसिटी ज्यादा है वो उन्होंने मिलकर के सेंटर बनाया और उसके बाद में कम डेंसिटी वाले जो मिनरल है वो इकट्ठा हुए हैं। सो इनर कोर में कौन से मिनरल हमें मिलेंगे जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो दो एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं, दैट इज निकल एंड आयरन। ओके, सो दिस इज क्रस्ट। अब क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर होती है, मैंने आपको बताया कि ओशन में 5 किलोमीटर तक हो सकती है जबकि 70 to 100 किलोमीटर हो सकती है कॉन्टिनेंट में। सो क्रस्ट है वो डिफरेंट जगह पर, ओशन में अलग इसकी डेप्थ होती है थिकनेस एंड कॉन्टिनेंट में अलग थिकनेस होती है। उसके बाद में आ जाती है मेंटल, मेंटल की अपर लेयर उसे क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है, जबकि एस्थेनोस्फेयर एंड क्रस्ट को मिलाकर के क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ओके, सो अपर लेयर मेंटल की क्या थी, एस्थेनोस्फेयर, एंड एस्थेनोस्फेयर एंड क्रस्ट मिलकर क्या बने, लिथोस्फेयर। उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल है, एंड उसके बाद में 5100 किलोमीटर तक क्या है, कोर। ओके, सो ये थी 3 layers। सो आफ्टर द लेयर देयर इज अ नेक्स्ट टॉपिक इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज वॉल्केनोस एंड लैंडफॉर्म मेड बाय द वॉल्केनोस। सो वॉल्केनोस क्या होते हैं एंड वॉल्केनो इरप्शन की वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। सो वॉल्केनो अ प्लेस वेयर गैसेस एशेस और मोल्टन रॉक्स एस्केप फ्रॉम द ग्राउंड, जहां से मोल्टन रॉक्स जिसे हम लावा कहते हैं, एशेस एंड गैसेस हैं वो निकलते हैं अर्थ के इंटीरियर से, उस प्लेस को हम कहते हैं लावा। सो एक्टिव वॉल्केनो इन्हें कहा जाता है जहां से जो गैसेस है, एशेस है या लावा है वो रिलीज होता रहता है, अभी रिसेंट में ही रिलीज हुआ है, दैट आर कॉल्ड द एक्टिव वॉल्केनोस। एंड वॉल्केनोस का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया जाता है, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ इरप्शन, जब वो इरप्ट होते हैं, एंड फॉर्म डेवलप एट द सरफेस, एंड इरप्शन होने की वजह से जो सरफेस पर फॉर्म बनती है उसके बेसिस पर। सो नेचर इरप्शन का मींस अभी एक्टिव वॉल्केनो उन्हें कहा जाता है जो अभी रिसेंट में इरप्ट हो रहे हैं। कुछ वॉल्केनोज होते हैं जिनमें बहुत टाइम बाद इरप्शन होता है, कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जिनमें पास्ट में तो इरप्शन होता है लेकिन अभी फ्यूचर में उनमें कोई भी इरप्शन होने के चांसेस नहीं है, उन्हें डेड वॉल्केनोज कहा जाता है। एंड फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस मींस लावा इरप्शन होने की वजह से कैसा लैंडफॉर्म बन रहा है, मींस लावा डिपॉजिट होने से शील्ड वॉल्केनोज बन रहे हैं या बेसाल्ट बन रहा है, मींस एक प्लेन बन गया है, लावा दूर तक बहकर चला गया है जिन्हें हम बेसाल्ट रीजन कहते हैं, या लावा है वो एक के बाद इकट्ठा होता जा रहा है लेयर्स में जिन्हें हम शील्ड वॉल्केनोज कहते हैं। सो वॉल्केनो इरप्शन जब होता है उससे डिफरेंट लैंडफॉर्म कैसे बनती है, हम उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, मींस वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है उसकी वजह से कैसी लैंडफॉर्म बन रही है वॉल्केनो इरप्शन होने की वजह से, उन्हें हमने 3 parts में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वन इज शील्ड वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज कौन से होते हैं, बैरिंग द बेसाल्ट फ्लो, जब लावा निकलता है अर्थ इंटीरियर से तो लावा जब ज़्यादा फास्टली इरप्शन नहीं होता तो लावा इस तरह से जमना स्टार्ट कर देता है, मीन्स जो लावा के फ्लो होने की स्पीड है वो बहुत कम है तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिन्हें हम शील्ड वॉल्केनोज कहते हैं, शील्ड की तरह बन गए हैं, ऊपर उठ जाते हैं। सो ये लार्जेस्ट वॉल्केनोज होते हैं, काफ़ी ऊपर उठे हुए। ओके, सेकेंड जैसे कि हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड है उनका जो फॉर्मेशन है वो शील्ड वॉल्केनो की वजह से हुआ। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिट वॉल्केनोज। कंपोजिट वॉल्केनो जब इरप्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत स्पीडली जब लावा है वो एक्सप्लोड होता है, सो उसकी वजह से वो दूर तक बहता हुआ चला जाता है, मीन्स लावा इरप्शन ऐसे हो रहा है, सो लावा यहाँ से निकल रहा है, सो वो दूर तक बहते हुए चला गया क्योंकि जो लावा के इरप्ट होने की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये एक बेसाल्ट रीजन बन गया है, मतलब एक एरिया बन गया है बहुत आगे तक जहाँ पर लावा बिछ गया है। ओके, ऐसा इंडिया में एक एग्जांपल डेक्कन ट्रैप हम बोले, जिन्हें हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का बेसाल्ट रीजन बोलते हैं, महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश का पार्ट, उसे हम बेसाल्ट रीजन बोलते हैं क्योंकि ये बोला जाता है कि पास्ट में इनकी फॉर्मेशन है वो लावा के यहाँ पर कंपोजिट होने से हुई है। ओके, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कंपोजिट वॉल्केनोस, मींस जो लावा इरप्शन हुआ है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी इसलिए लावा दूर तक बह करके चला गया और एक लार्ज एरिया को उसने कवर कर लिया, जिसे क्या बोला जाता है, बेसाल्ट रीजन, जैसा कि अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो डेक्कन ट्रैप इंडिया का। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। लास्ट वन इज मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनो। मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनो मीन्स
ओशन में जब लावा एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर भी रिजेस, छोटे छोटे हिल्स बन जाती है लावा के डिपॉजिट होने से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस, वॉल्केनो रिजेस। सो अगर हम टोटल ओशन में देखें तो 70,000 किलोमीटर तक है इन रिजेस, मतलब एक सीरीज बन जाती है। वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, उसके बाद में वॉल्केनो इस तरह से डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे यहाँ पे, तो जो सेंटर होता है वॉल्केनो का वो ज्यादा उठा हुआ होता है, लेकिन बाकी जगह पर इस तरह से रिजेस बन जाती है, एक रेंजेस। सो टोटल ओशन, जितने भी ओशन है उनमें देखा जाए तो रिजेस है उनकी जो लेंथ है वो 70,000 किलोमीटर है, मतलब बहुत ज्यादा। तो मीन्स ऐसा नहीं कि क्रस्ट पर ही वॉल्केनो इरप्शन होता है, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर तो ओशन में भी है, तो ओशन में भी वॉल्केनो इरप्शन होता है जिसकी वजह से रिजेस बनती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो रिवाइज दीज टॉपिक्स विच आई डिस्कस हियर, ओके, एंड राइट दीज टाइप्स ऑफ वॉल्केनो रफ नोटबुक, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड ऑफ योर पेरेंट्स, थैंक यू।